स्लोप ऑफ अ लाइन बताया, अब बेटा एक हेडिंग डालो, ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफ्रेंसिएशन, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफ्रेंसिएशन, मतलब अभी तक मैं dy by dx या डिफ्रेंसिएशन कर रहा था by using certain rules, अब वही dy by dx जो मैं rules लगा के कर रहा था वो मैं ग्राफिकली निकलवाऊंगा। अभी तक क्या होता था, एक इक्वेशन दी जाती थी और आप रूल्स लगा के dy by dx कर रहे थे, बेसिक रूल, पावर वाला, ब्रैकेट वाला, उसके बाद और जो भी थे, आपको सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इक्वेशन दी जाती थी और आप रूल लगा के उसको क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करते थे। मतलब आप निकालते थे एक ऐसी इक्वेशन जो दे रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अब वही चीज जो रूल्स लगा के कर रहे थे वो अब ग्राफ से करेंगे, बट उसके लिए जो इक्वेशन है उसका आपके पास क्या होना चाहिए, ग्राफ बना हुआ होना चाहिए। ग्राफ कैसे बनता है, अगर तुमसे कोई बोले ग्राफ कैसे बनाया जाता है एक इक्वेशन का, तो फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाना, तो पहले एक टेबल बनाएंगे, यहाँ एक्स लिखेंगे, यहाँ वाई, एक्स की कुछ वैल्यूज देंगे 0, 1, 2, 3, 4, -1, 2, 3, 4, उससे कॉरस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यू लिख लेंगे, फिर ग्राफ में उन पॉइंट्स को बनाकर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो एक ग्राफ बन जाएगा बिटवीन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इसमें लिखो dy by dx, स्टेटमेंट लिखो dy by dx कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली ऑल्सो, कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली ऑल्सो, ठीक है, बट फॉर दिस, बट for this the graph of the equation should be given, but for this the graph of the equation should be given. Yahan dekho main bilkul wo example le raha hu jo pehle liya tha, ये y is equal to x square का ऐसा ग्राफ बनता है, मुझे पता है, मुझे पता है कि ऐसा ग्राफ बनता है, बन गया। अब देखो हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक पॉइंट ये है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, एक पॉइंट Q है, ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं, कर दिया, ये लाइन कर्व को दो जगह से कट करके जा रही है, तो ये कहलाएगा सीकेंट, ये कहलाएगा सीकेंट, चलो सीकेंट कहलाएगा, इसको सीकेंट लिख दिया, इसका स्लोप हो जाएगा इस सीकेंट का स्लोप है y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये इसका क्या है स्लोप, what do I mean by slope, tan of the angle which the line is making with x axis। इसमें ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो आज पहली बार बैठ रहा हो, क्यों इसमें क्यों आ गए आप, आपको 9 बजे आना था ना, अच्छा ठीक है, what is slope tan of the angle which the line is making with x एक्सेस, वो इसका स्लोप होगा, मतलब इसका, इसका ये वाला देखो, रुको बेटा ध्यान से देखना,
मतलब ये जो वैल्यू आ रही है, दिस इज टैन थीटा, दिस इज व्हाट, टैन थीटा। पर अभी एक्स एक्स ये जो दो पॉइंट्स हैं ये बहुत दूर दूर हैं, ये बहुत दूर दूर हैं। सपोज ये पॉइंट्स बहुत पास होते, सपोज ये पॉइंट्स बहुत पास होते, तो देखो क्या लगता। तो देखो ग्राफ देखो फिर से, ये पॉइंट्स अगर बहुत पास होते, बहुत पास होते, ये पॉइंट्स अगर बहुत पास में होते तो ये लाइन सीकेंट की जगह कैसे लगने लगती है, टेंजेंट, टेंजेंट लगने लगती। ठीक है, टेंजेंट, इसको हम टेंजेंट लिख देंगे अब, कि वो टेंजेंट लग रही है। इसकी अगर स्लोप देखें, इस लाइन का टैन अल्फा, ये थीटा और यहां पे एंगल सेम नहीं है, इसका अगर हम टैन अल्फा निकालें, टैन अल्फा अगर निकालने में कैपेबल हो जाते हैं बेटा, मुझे बताओगे ये जो टर्म है ये अब ज्यादा ज्यादा नहीं है, इसको वाई टू माइनस वाई वन की जगह डी वाई लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डी वाई, क्योंकि वाई टू और वाई वन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और यहां पर एक्स टू माइनस एक्स की जगह डीएक्स लिख देंगे। अरे डीवाई बाय डीएक्स निकल आया, डीवाई बाय डीएक्स इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब जिस जिस एक्स की वैल्यू, जहां पर भी तुम्हें डीवाई बाय डीएक्स निकालना है, जिस जगह भी, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया कि एक्स इक्वल टू टू वाली वैल्यू पे, एक्स इक्वल टू टू पर निकाल के बताओ dy by dx, तो पहले मैं x equal to 2 पे पहुंचूंगा, वहां पे क्या ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट, उस टेंजेंट का यहां पे क्या मेजर करूंगा, एंगल, और उसका tan निकाल दूंगा, दैट विल बी dy by dx। सो हाउ डू यू फाइंड dy by dx फ्रॉम द ग्राफ, द पॉइंट एट विच यू वॉन्ट टू कैलकुलेट dy by dx यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट, मेजर इट्स एंगल विद विच एक्सिस, x एक्सिस, फाइंड tan अल्फा, फाइंड tan alpha, that will be dy by dx, but you have to draw a tangent, measure its angle with which axis, x axis, and then take tan alpha, that will be dy by dx. Itna clear hua? Main ye bolna chahta hu, is point pe dy by dx nikalna, us jagah pe tangent, aur tangent ka tan alpha will give you dy by dx. Pehle likh lo, bana lo, fir main sikhata hu aur acche se.